हरी ओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए एक नया विषय। आप देख पा रहे होंगे अब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है, सर्दियों के दिन आ गए हैं और ये मौसम सभी को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ भाई बहन लोग ऐसे हैं जिनको सर्दियों के दिनों में कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको साइनस की समस्या इन दिनों में बढ़ जाती है, जिनको कफ दोष प्रधानता हो जाती है, उनके छाती में कफ भर जाता है, खांसी आने लग जाती है, गले में खिचखिचाहट हो जाती है। इतना ही नहीं, माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है, रात को सो नहीं पाते हैं, नाक बंद रहती है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स उन्हें सर्दियों के दिनों में दिखाई देते हैं। इन सारे बीमारियों से बचने के लिए और जिनको ये समस्या हो रही है उन लोगों को समाधान मिलने के लिए, उस बीमारियों से निजात मिलने के लिए आज हम आपको एक क्रिया सिखाएंगे जो षटकर्मों का एक अंग है। षटकर्म नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि ऐसे छह कर्म जो आपके शरीर के शुद्धता के लिए किए जाते हैं, जो एक योग का षटकर्म भी एक अंग है। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं उस छह कर्म में जल नीति एक पार्ट है, उसे आज हम सीखेंगे। बाकी और क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अगली कक्षा में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं जल नीति किस प्रकार से होती है। तो जल नीति का सबसे पहले इस प्रकार से आपको पॉट लेना है, ये पॉट जिसके कारण आप जल नीति कर पाएंगे, अच्छे से आपकी जल नीति होगी। अब समझते हैं कि जल नीति के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो ये पॉट चाहिए, सेंधा नमक चाहिए और पानी चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए जिसके कारण आप जल नीति कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पॉट देखा है, अब समझते हैं कि जल नीति का पानी किस तरह से बनाना है। जल नीति का जो पानी बनेगा वो आपको हल्का सा गुनगुना बनाना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसमें आपको सेंधा नमक डाल लेना है। अब सेंधा नमक क्यों डालना है, कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा। तो आपके जो पानी का पीएच वैल्यू है उसे बैलेंस बनाने के लिए सेंधा नमक इसमें डाला जाता है। और किस कारण डाला जाता है, हमारी स्किन जो है पानी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। कई आप चीजों को बचपन से देखते आए होंगे, आपके स्किन के माध्यम से पसीना आता है। तो ये एक दरवाजा है जिसमें से आपके शरीर के जो विजातीय द्रव्य है वो जैसे बाहर निकलते हैं स्किन के द्वारा, वैसे स्किन के द्वारा अंदर भी जाते हैं। इसलिए हम डेली प्रतिदिन नहाने का कार्य करते हैं कि गंदगी अंदर ना चले जाए स्किन के माध्यम से। ऐसे ही नाक में जब हम पानी डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब ना हो इसलिए हम इसमें नमक डालते हैं। नमक क्या करेगा, उस पानी को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से बचाएगा। और तीसरी चीज और क्या है मुख्य कारण, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उस पानी की शुद्धता के लिए ये हम इसमें पानी में नमक मिलाने का काम करते हैं। ऐसे दो से चार मुख्य ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम इसमें पानी में नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा क्या करना है, इतना अगर आप इतना पानी बनाते हो एक प्याला भर के, इसमें दो से तीन चुटकी आपको नमक डालना है। आप टेस्ट करके देख सकते हो, थोड़ा सा नमकीन अगर पानी आपको लगता है तो आप ये समझ लेना है कि आपका पानी अब तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा गुनगुना लेना है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब क्या करना है, किस प्रकार से करनी है, तो आप आराम से नीचे बैठकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं या खड़े होकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गर्दन को झुकाना पड़ेगा सामने, वो आप देखेंगे कि किस प्रकार से करना है। तो आइए जल्दी से अपने अगले कार्यों को करते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको किस तरह से जल नीति करनी है। जैसे शुरुआत में बताया कि पानी किस तरह से बनाना है, उस प्रकार से पानी ले लेना है। और ये जो जल नीति का पॉट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक साइड आपको चोंच निकली हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण हम आराम से उसे नासिका में हम रख सकते हैं और हम पानी डाल सकते हैं नाक में। अगर ऐसे प्याले से जग से किसी से डालने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर ही गिरेगा, अच्छे से नाक में नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसे अपने नासिका में आपको लगा के दिखा रहे हैं, वहाँ से आपको आराम से लगाना है। लगाने के पश्चात क्या करना है, अभी पानी नहीं जा रहा है, नॉर्मली लगा के रखा है, प्याला हमेशा नीचे की तरफ से पकड़ना है, पाँचों उंगलियों के बीच में, ऊपर से नहीं पकड़ना है, साइड से नहीं पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है, जिसके कारण आपको आसानी हो पानी को नाक के अंदर डालने में। उसके बाद क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि मुंह खुला हुआ है,
मुंह खोलने के पश्चात मुंह से ही सांस ली जा रही है। सांस जो है आपकी नासिका से नहीं आ रही, अब मुंह से आ रही है। अब धीरे धीरे पानी डालने का प्रयास करना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अभी टूट टूट कर पानी आ रहा है। शुरुआती अभ्यास में इसी प्रकार से टूट टूट कर पानी आएगा। थोड़ी देर बाद आप देख पा रहे हो अभी कि एक धार अच्छे से पानी की निकल रही है। जब आप बार बार इस चीज़ का अभ्यास करोगे तब अच्छे से इसी प्रकार से ये धार निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आप दूसरे साइड से भी इस अभ्यास को कर सकते हो। अच्छे से एक नाक से किया, फिर दूसरे नाक से किया। शुरुआती अभ्यास में आप ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पानी निकलेगा, एक एक बूंद ही आएगा, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक ये प्याला भरकर दोनों नासिका से शुरुआती अभ्यास में कर सकते हैं। जब अभ्यास हो जाएगा तो एक नासिका से एक प्याला, दूसरे नासिका से दूसरे प्याला, इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। आपका मुख खुला हुआ है, गर्दन को एक साइड झुका दिया है और आराम से पानी निकल रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कहीं और पानी जाने वाला नहीं है, आराम से आपका पानी निकलेगा। और आप इस तरह से जब पानी हो जाए तो आप यहाँ पे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिस तरह से आपको सामने योगाचार्य जी दिखा रहे, इसमें आपको कपालभाति प्राणायाम से नासिका में जो कुछ भी रुका हुआ पानी है वो सारा निकल जाएगा। जलनीति का अभ्यास होने के पश्चात इस तरह से दंडासन में प्रथमतः बैठे, उसके बाद आपको वज्रासन की स्थिति में जाना है। अब जिनको घुटनों की समस्या है उन्हें किस स्थिति में जाना है इस अभ्यास के बाद बताया जाएगा। तो आराम से वज्रासन में जाना है और सामने की तरफ झुक जाना है। आपकी ठुड्डी नीचे लगी हुई रहेगी जिसके कारण आपके नासिका को स्पेस मिल जाएगा और जिसमें से आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास फिर से करना है। तो जो बचा कुचा पानी है वो सारा आपके नासिका से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से शशकासन के स्थिति में आपको जाकर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिसके कारण पूरा पानी निकल जाएगा। और जो घुटने बैंड नहीं कर सकते हैं, घुटनों की समस्या है, वो आराम से पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल लेट कर इस अभ्यास को एक दूसरे के ऊपर हथेली सामने रखते हुए अपने माथे को उस हथेली के ऊपर रख देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आपका जो माथा है वो हथेली पे लगा हुआ रहेगा और इसी स्थिति में आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये हुआ आपका जलनीति का अभ्यास। अब इसमें सावधानी क्या हमें ध्यान में रखनी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जिनकी ज़्यादा सांस फूलती है, अस्थमा की समस्या है, उनको किसी के देखरेख में, जिसे जलनीति का अभ्यास पता है, उस चीज़ का नॉलेज है, उनके देखरेख में इस अभ्यास को करना है, जिसके कारण आप आराम से कर पाओ और उस चीज़ को समझ पाओ। अब जिनको ज़्यादा बीमारी बढ़ी हुई है वो हफ्ते में 2 से 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। जब बीमारी से निजात पा लेंगे तब हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन, जैसे रविवार की छुट्टी होती है सभी को, तो छुट्टी के दिन आप एक दिन हफ्ते में इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये आपका जलनीति का अभ्यास हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नमस्ते।